हेलो फ्रेंड्स, कुलदीप सर के नाम से एसी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वीडियो की अगली कड़ी में एक नया एमसी की वीडियो हम लेके आए हैं जो बाबा फरीद, नॉर्थ साइड, एसआईसी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक प्रेग्नेंट क्लाइंट है, ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर, थोड़ा इसको दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं कि एक नर्स जो है वो ऑन जो है एक क्लाइंट की केयर कर रही है, क्लाइंट प्रेग्नेंट क्लाइंट है, और प्रेग्नेंट क्लाइंट जो है उस क्लाइंट को क्या हुआ, उसका जो पेरिपेड, जो पेरिनियल एरिया है, पेरिनियल एरिया पे जो पैड लगाया है उसके और उसके जो जो पैड वाला एरिया है वहाँ पे उसको क्या हो रहा है, थोड़ा वेटनेस फील हो रहा है और उसको ऐसे लगा कि वहाँ पर कुछ क्लियर फ्लूइड आ गया है ना। नर्स ने क्या किया ऐसा बताने पे तुरंत इंस्पेक्ट किया पेरिनियम को, और तुरंत इंस्पेक्ट करके उसने देखा कि वहाँ पे क्या प्रेजेंट था, अम्बिलिकल कॉर्ड प्रेजेंट हो रखी थी। इस कंडीशन के अंदर नर्स का इनिशियल एक्शन क्या होगा, तो सबसे पहले एक्शन क्या रहता है, नर्स ने क्या देनी होगी अगर ऐसी कंडीशन आती है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पेशेंट को पोजिशन देना है। क्या कंडीशन बन गई है यहाँ पे, कॉर्ड प्रोलैप्स का कंडीशन बन चुका है, अम्बिलिकल कॉर्ड बाहर आ गया है, कॉर्ड प्रोलैप्स का कंडीशन बना हुआ है, सबसे पहले पोजिशन दे। और पोजीशन कैसी पोजीशन दोगे, तो कॉर्ड प्रोलैप्स के लिए आप क्या कर दें, पेशेंट का हेड जो है वो तो क्या कर दें, डाउन कर दें, और फुट एंड जो है उसको क्या कर दें, अप कर दें, हेड साइड डाउन कर दें, फुट साइड को अप कर दें। तो ये पोजीशन जो बनी, ये कौन सी पोजीशन बन गई, ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन बन गया। कौन सा पोजीशन बना, ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन बन गया है ना। ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन में क्या होता है, हेड साइड डाउनवर्ड होगा, फुट साइड अपवर्ड होगा, यानी कि अगर बात करें तो कुछ ऐसा पोजीशन, यानी कि ये जैसे ये नॉर्मल पेशेंट है, ये पेशेंट का हेड है, ये इसकी बैक है, है ना, ये बैक है, ये हेड है, और ये पेशेंट की क्या है, लेग है, है ना, ये बैक है पेशेंट का, ये हेड है, ये नी है, और ये जो है इसके क्या है, सोल है। अब क्या करें, ये नॉर्मल पेशेंट लेटा हुआ है, तो क्या कर दें, इसकी जो हेड वाली साइड है उसको तो क्या कर दो, नीचे कर दो, और जो इसकी लेग वाली साइड है इसको क्या कर दो, ऊपर कर दो, लगभग 40 डिग्री जो है हेड को क्या कर देते हैं, डाउन कर देते हैं, और लगभग 42-45 डिग्री क्या कर दिया जाता है, 42-45 डिग्री क्या कर दिया जाता है, जो फुट एंड है उसको क्या कर दिया जाता है, ऊपर कर दिया जाता है, अपवर्ड कर दिया जाता है, ये पोजीशन। तो सबसे पहले आपने क्या करनी है, पेशेंट को पोजीशन देनी है, और पोजीशन के हिसाब से अब हम देखते हैं ऑप्शन क्या कहते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन आपका जो है, नोटिफाई द फिजिशियन, मोनिटर फीटल आर्टरी, ट्रांसफर क्लाइंट टू डिलीवरी रूम एंड प्लेस द क्लाइंट इन ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पेशेंट को ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन दें। ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन देने के बाद आपने क्या करना है, दो नंबर पे आपने डॉक्टर को नोटिफाई करना है। डॉक्टर को नोटिफाई करने के बाद फिर अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तो उसको डिलीवरी रूम में ट्रांसफ़र करें, और उसके साथ साथ आपने क्या करनी होती है, उसकी फीटल हार्ट रेट चेक करनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए रजिस्टर्ड नर्स इज़ प्लानिंग द क्लाइंट असाइनमेंट फॉर द डे। एक रजिस्टर्ड नर्स है, प्लान कर रही है क्लाइंट के लिए असाइनमेंट बनाना है उसका, है ना। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट असाइनमेंट फॉर द नर्सिंग असिस्टेंट। नीचे दिए गई कौन सी ऐसी बातें हैं जिनके अंदर नर्सिंग असिस्टेंट के लिए अप्रोप्रिएट असाइनमेंट रहेगा। क्लाइंट रिक्वायरिंग कोलोस्टोमी इरीगेशन, एक क्लाइंट है जिसको किसका ज़रूरत है, कोलोस्टोमी इरीगेशन की ज़रूरत है, है ना। कोलोस्टोमी क्या होती है, कोलोस्टोमी की अगर बात की जाए तो कोलोस्टोमी का मतलब होता है टू क्रिएट एन ओपनिंग ऑफ इंटरनल एब्डोमिनल ऑर्गन, टू द आउटसाइड या आउटवर्ड थ्रू दी एब्डोमिनल वॉल, एब्डोमिनल वॉल के
से होते हुए या एब्डोमिनल वॉल से क्या करना, अपने इंटरनल एब्डोमिनल ऑर्गन जो है उसकी ओपनिंग को बाहर की तरफ क्रिएट करना, पाउच को क्रिएट करना क्या कहलाता है, कोलोस्टोमी कहलाता है। यानी कि मेनली आप जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन जो है ना, कोलो कोलो वर्ड जो आया ये कहाँ से आया, आपके कोलोन से, और ओस्टोमी का मतलब होता है आउटसाइड ओपनिंग, जो आपका कोलोस्टोमी, कोलोस्टोमी दो वर्ड से मिलके बना है, कोलोन प्लस ओस्टोमी। कोलोन का मतलब है लार्ज इंटेस्टाइन से, लार्ज इंटेस्टाइन, और ओस्टोमी जो वर्ड है इस ओस्टोमी वर्ड का मतलब है आउटवर्ड ओपनिंग। आउटवर्ड ओपनिंग है ना कोलोस्टोमी। तो क्लाइंट जो है यानी कि नर्सिंग असिस्टेंट के लिए कोलोस्टोमी इरिगेशन का इंपॉर्टेंट रहेगा। कोलोस्टोमी इरिगेशन के लिए सॉल्यूशन कौन सा काम में लिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट बात रहती है, आपसे पूछा जा सकता है। तो कोलोस्टोमी इरिगेशन करने के लिए ल्यूक वॉर्म वाटर काम में लिया जाता है। ल्यूक वॉर्म वाटर फर्स्ट ऑप्शन रहता है, ल्यूक वॉर्म वाटर। अगर ल्यूक वॉर्म वाटर ऑप्शन में नहीं होता है तो आप बोल सकते हो टैप वाटर, या जिसका टेम्परेचर जो है वो कितना हो, 100 डिग्री हो, या कितना हो, 100 डिग्री टेम्परेचर वाला सॉल्यूशन हो फ़ारेनहाइट के अंदर। इसके अलावा आपको हाइट पूछी जा सकती है कि कोलोस्टोम इरिगेशन के लिए कितनी हाइट होनी चाहिए आईवी स्टैंड की। तो आईवी स्टैंड की हाइट जो है वो कितना होना चाहिए, 6 to 8 इंच, 6 से 8 इंच का मतलब है 1 इंच के अंदर 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि 15 सेंटीमीटर से लेके 20 सेंटीमीटर तक। तो नॉर्मल आईवी स्टैंड का हाइट कितना होता है, तो नॉर्मल 45 से 60 सेंटीमीटर, आईवी स्टैंड, बीटी स्टैंड है ना, इनकी नॉर्मल हाइट जो कितनी होती है, 45 से 60 सेंटीमीटर होती है ना, इस तरीके से। दूसरा ऑप्शन है रिसीविंग कंटिन्यूस ट्यूब फीडिंग, पेशेंट कंटिन्यूस ट्यूब फीड ले रहा है। कंटिन्यूस ट्यूब फीडिंग से रिलेटेड पोजीशन से क्वेश्चन बनता है, काफ़ी बार पोजीशन पूछी जाती है। एक पेशेंट है जिसको कंटिन्यूस ट्यूब फीडिंग चल रही है, कौन सी पोजीशन दोगे, तो कंटिन्यूस ट्यूब फीडिंग वाले पेशेंट को कौन सी पोजीशन देनी होती है, आपने सेमी फाउलर पोजीशन देना होता है, सेमी फाउलर पोजीशन देनी होती है ना। ट्यूब इंसर्ट करने के लिए जब आप क्या करते हो, राइल्स ट्यूब आरटी इंसर्शन किया जाता है, तब आप क्या करते हो, हाई फाउलर पोजीशन दी जाती है पेशेंट को। आरटी इंसर्शन के दौरान हाई फाउलर पोजीशन दिया जाता है, आरटी इंसर्शन के दौरान हाई फाउलर पोजीशन दिया जाता है। और अगर आपको, आप पेशेंट को क्या कर रहे हो, इंटरमीटेंट ट्यूब फीडिंग दे रहे हो, अगर क्या कर रहे हो, इंटरमीटेंट ट्यूब फीडिंग दे रहे हो, तो क्या करना है, आपने फाउलर या सीटिंग पोजीशन देना है। फिर कौन सा पोजीशन देना है, फाउलर पोजीशन, या इसी को हम क्या बोलते हैं, सीटिंग पोजीशन बोलते हैं, ये पोजीशन आपने देना है। तीन पोजीशन रहती है, इंपॉर्टेंट रहती है तीनों की तीनों, राइल्स ट्यूब से रिलेटेड, फीडिंग से रिलेटेड, तीनों की तीनों जो है क्वेश्चन क्या रहते हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं, पोजीशन पूछी जाती है काफ़ी बार एग्जाम में। नेक्स्ट, एक क्लाइंट रिक्वायरिंग स्टूल स्पेसिमन कलेक्शन, एक क्लाइंट का स्टूल स्पेसिमन यानी कि स्टूल का सैंपल कलेक्ट करना है, इसके ऊपर नर्सिंग असिस्टेंट जो है वो क्या करेगा, अप्रोप्रिएट असाइनमेंट बनाए, उसके लिए बहुत सही रहेगा। या क्लाइंट हु हैव डिफ़िकल्टी इन स्वेलोविंग फूड एंड फ्लूड, फूड और फ्लूड को स्वेलो करने में, निगलने में डिफ़िकल्टी का होना क्या कहलाता है, डिसफेजिया कहलाता है, डिसफेजिया कहलाता है। और आपसे पूछा जा सकता है कि आपका स्वेलोविंग का सेंटर कौन है, स्वेलोविंग के सेंटर से क्वेश्चन बनता है काफ़ी बार। नर्वस सिस्टम जब आप पढ़ते हो तो नर्वस सिस्टम में स्वेलोविंग के सेंटर पे क्वेश्चन बनता है। तो जो आपका मेड्यूला ओब्लोगेटा जो होता है, मेड्यूला ओब्लोगेटा इज ए सेंटर ऑफ और स्वेलोविंग, स्वेलोविंग का सेंटर है ना, स्वेलोविंग का सेंटर की बात करूं, या जो है अगर बात की जाए स्वेलोविंग का सेंटर बोलो, या आपका कार्डियोवास्कुलर सेंटर, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का सेंटर है ना, वोमिटिंग का सेंटर है ना, कार्डियोवास्कुलर सेंटर, वोमिटिंग का सेंटर, रेस्पिरेशन का सेंटर, स्वेलोविंग का सेंटर,
स्वेलोइंग का सेंटर, डी ग्लूटिनेशन का सेंटर, ये सारे के सारे सेंटर कौन कौन कंट्रोल करता है इन सबको? आपका मेड्यूला ऑब्लोगेटा। मेड्यूला ऑब्लोगेटा जो है इन सबको क्या करने का काम करता है? कंट्रोल करता है। अगर आपको पूछे आपका वोमिटिंग का सेंटर, रेस्पिरेशन का सेंटर, स्वेलोइंग का सेंटर, डीग्लूटिनेशन का सेंटर, सीवीएस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का सेंटर कौन कौन है, तो आप क्या बताएंगे? मेड्यूला ऑब्लोगेटा, है ना। तो अप्रोप्रिएट असाइनमेंट नर्सिंग असिस्टेंट के लिए क्या रहेगा? तो वो उसको क्या करना है, क्लाइंट हु रिक्वायर स्टूल स्पेसिमन कलेक्शन, यानी कि जो हमारा स्टूल का सैंपल है उसको कलेक्ट करने के लिए जो क्या करेगा, वो जो है सैंपल बनाएगा, वो क्या कहलाएगा उसका, उसके लिए क्या रहेगा? अप्रोप्रिएट नर्सिंग जो है प्लान रहेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, क्लाइंट डायग्नोस हुआ है टीबी के साथ में, टीबी ट्यूबरक्लोसिस एक रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंडर आता है, है ना। टीबी जो है, टीबी एक रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज़ है। शेड्यूल किया गया है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में चेस्ट रेडियोग्राफ, यानी कि पेशेंट का क्या करवाना है, एक्सरे करवाने के लिए भेजा गया है, है ना। विच नर्सिंग इंटरवेंशन वुड बी अप्रोप्रिएट व्हेन प्रिपेयर टू ट्रांसपोर्ट द क्लाइंट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीबी के बारे में, टीबी के अंदर क्या होता है। टीबी, तो टीबी जो है ये क्या है, रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज़ है, रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज़ रहती है। पॉजिटिव एजेंट जो रहता है इसका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई रहता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई दैट इज़ ए कॉजेटिव एजेंट, है ना। इसके अलावा जो है टीबी से रिलेटेड आपको पूछा जा सकता है, टीबी का कन्फर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन होता है? कन्फर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट, तो कन्फर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट जो रहता है वो क्या रहता है? स्पूटम कल्चर। कौन रहता है? स्पूटम कल्चर। स्पूटम कल्चर टेस्ट जो रहता है वो क्या रहता है? कन्फर्मेटरी टेस्ट रहता है। किसके लिए? टीबी के लिए। स्पूटम कल्चर के लिए आपको क्या करने होते हैं, तीन मॉर्निंग स्पूटम लेने होते हैं, तीन सैंपल लेते हैं सुबह उठते ही। जो सुबह उठते उठते टाइम सबसे पहले क्या करना होता है, पेशेंट ने सैंपल कलेक्ट करना होता है, तीन कॉन्जिक्यूटिव यानी कि लगातार स्पूटम के सैंपल कलेक्ट करते हैं हम, और उनको लैब में क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। अब जब आप जो है साइन सिम्टम की बात करें, तो एक टीबी के पेशेंट का अगर आप एक्सरे करवा रहे हो तो आपको एक्सरे में क्या देखने मिलेगा, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर टीबी वाला पेशेंट है तो टीबी के पेशेंट के अंदर एक्सरे जब हम करवाते हैं तो उसके अंदर क्या देखने मिलता है हमें? घोन कॉम्प्लेक्स बने हुए दिखाई देते हैं। क्या बनेंगे? घोन कॉम्प्लेक्स दिखाई देंगे। घोन कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? जो हमारा एक्सरे जो होगा, एक्सरे यानी कि हमारा जो राइट लंग्स है, राइट लंग्स के जो मिडल लोब है, या मिडल लोब या सुपीरियर लोब, मिडल लोब या सुपीरियर लोब, उसके अंदर आपको क्या देखने मिलेंगे? ग्रे वाइट पैचेज बने हुए दिखाई देंगे। ग्रे वाइट पैचेज बने हुए दिखाई देंगे घोन कॉम्प्लेक्स, है ना, जिनको बोलते हैं एक्सरे के अंदर शो होंगे। तो आप क्या कर रहे हो, एक्सरे करवाने के लिए पेशेंट को लेके जा रहे हो, टीबी का पेशेंट है, कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन जो है वो अप्रोप्रिएट रहेगा जब आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो क्लाइंट को? सबसे पहले अप्लाई ये मास्क टू द क्लाइंट, क्लाइंट को मास्क लगाया जाए, है ना। हो सकता है क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि जो है ये क्या है, रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज़ है, है ना, एक दूसरे के आपस में मिलने से ड्रॉपलेट के थ्रू फैलती है। दूसरा, अप्लाई ये मास्क एंड गाउन टू द क्लाइंट, क्लाइंट को मास्क और गाउन पहनाएं। गाउन जो है, गाउन का कोई इतना बड़ा रोल नहीं रहेगा पर हो सकता है, देखते हैं आगे। थर्ड, अप्लाई ये मास्क गाउन एंड ग्लव्स टू द क्लाइंट, क्लाइंट को मास्क भी पहनाओ, गाउन भी पहनाओ, ग्लव्स भी पहनाओ, और नोटिफाई द रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट सो दैट द पर्सनल कैन बी श्योर टू वियर मास्क दैट द क्लाइंट अराइव। और या फिर आप क्या करो, नोटिफाई यानी पहले से उनको बता दो जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट वाले हैं, कि जब भी आप क्लाइंट को बोलो कि जब भी क्लाइंट लौटे तो वो क्या हो, मास्क पहन कर ही लौटे, है ना। तो क्या होना चाहिए,
तो मास्क टू द क्लाइंट, क्लाइंट को आपने सबसे पहले क्या करना है, मास्क पहना देना है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि अभी अभी हमने कहा कि ये क्या है, एक रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज़ है, रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज़ है, है ना, क्या है, रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज़ है। और रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज़ है तो ये क्या होगी, ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलेगी, ड्रॉपलेट के थ्रू फैलेगी, है ना। और ड्रॉपलेट क्या होंगे, जब दो पर्सन कांटेक्ट में आएंगे आगे फैल सकती है ना। गाउन जो होता है, गाउन जो है ये कोई, अगर कोई बॉडी के सिक्रेशन है ना, बॉडी फ्लूड के कॉन्टैक्ट में आने से प्रिवेंट करता है, बॉडी फ्लूड से बचने के लिए गाउन को काम में लिया जाता है। तो यहाँ क्या करेंगे आप, मास्क पहनाना है पेशेंट को, क्या करना है, मास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्टपार्टम नर्स हैज़ इंस्ट्रक्टेड ए न्यू मदर ऑन हाउ टू बाथ हर न्यूबॉर्न इन्फेंट। यानी कि एक पोस्टपार्टम नर्स है ना, पोस्टपार्टम कंडीशन के अंदर एक मदर को नर्स इंस्ट्रक्ट कर रही है कि वो जब उसका जो है, उस लेडी को जो बच्चा हुआ है, न्यूबॉर्न बेबी जो है, उसको क्या करना है, उसने नहलाना है, तो वो कैसे नहलाएगी, उसको कैसे बाथ देगी। द नर्स डेमोंस्ट्रेट द प्रोसीजर टू द मदर। नर्स ने क्या किया, ये प्रोसीजर यानी कि उसको कैसे नहलाना है, नर्स ने उस मदर को, उस बच्चे को नहला के दिखाया, है ना। और दूसरे दिन उसने, नर्स ने बोला मदर को कि तुम मुझे अब इसे नहला के दिखाओ, घर जाके नहला रुक गया, है ना। तो कौन सा ऑब्जर्वेशन जो है नर्स के द्वारा इंडिकेट करता है कि मदर इज़ परफॉर्मिंग द प्रोसीजर करेक्टली, यानी कि मदर जो है वो उस प्रोसीजर को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही है। ऐसी कौन सी ऑब्जर्वेशन जो है वो नर्स ने, ऐसी कौन सी चीज़ देखी जिसको देखते ही नर्स को ऐसा हो गया भी हाँ अब तो ये अपने बच्चे को नहला लेगी घर जाके, है ना। तो सबसे पहले मदर क्लीन द ईयर एंड देन मूव टू द आईज एंड द फेस। यानी कि मदर ने क्या किया, क्लीन किया बच्चे के ईयर्स को एंड देन मूव टू द आईज एंड द फेस। ईयर्स को क्लीन करने के बाद वो कहाँ चली गई, उस बच्चे के आईज़ और फेस की तरफ मूव कर गई। दूसरा, मदर बिगिंस टू वॉश द न्यूबॉर्न इन्फेंट बाई स्टार्टिंग विद द आईज़ एंड फेस। मदर ने क्या किया, उसकी आईज़ और फेस के साथ से उसको शुरुआत से नहलाना शुरू किया। द मदर वॉशेज द आर्म, मदर ने सबसे पहले आर्म को वॉश किया, चेस्ट को वॉश किया, बैक को धोया, फिर बैक को साफ़ करने के बाद फिर वो नेक पे गई, है ना, फिर वो बैक आर्म्स है, और उसके बाद लास्ट में फेस पे पहुंची। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि मदर वॉश द एंटायर न्यूबॉर्न इन्फेंट्स बॉडी एंड देन वॉशेज द आई फेस एंड स्कल। और पूरी कंप्लीट, मदर ने क्या किया, कंप्लीट बॉडी को वॉश किया, और कंप्लीट बॉडी को वॉश करने के बाद उसने क्या कर दिया, अपने बच्चे की आईज़, फेस और स्कल को वॉश किया। तो क्या होना चाहिए, तो आंसर क्या है, बी, यानी कि मदर क्या कहाँ से शुरू करेगी बच्चे को, स्टार्टिंग विद आईज़ एंड फेस, यानी शुरुआत में वो क्या करेगी, बच्चे का आई और फेस को वॉश करेगी, और उसके बाद फिर वो कंप्लीट बॉडी को वॉश करने के लिए जाएगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेरोस्क्लेरोसिस जो है ये क्या रहता है, मोस्ट कॉमन कॉज है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सी ए डी मीन्स कोरोनरी आर्टरी डिजीज। और CAD जो है ये मोस्ट कॉमन कॉज रहता है MI का। तो एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब है कोरोनरी आर्टरी जो है हमारी, उसके अंदर क्या हो जाना, प्लेग का बन जाना। जैसे ये क्या है आपकी कोरोनरी आर्टरी है, है ना, ये कोरोनरी आर्टरी है, और इस कोरोनरी आर्टरी के अंदर क्या हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह आके जमा हुआ, और उस कोलेस्ट्रॉल ने क्या कर दिया, यहाँ पे क्या कर लिया, प्लेग का फॉर्मेशन कर लिया, आर्थरस बना लिए, है ना, यहाँ पे आके जम गया। अब ये यहाँ जब आके इकट्ठा हो गया, तो मान लीजिएगा यहाँ पे ये क्या हो गया है, इकट्ठा हो गया, तो क्या यहाँ से अब जैसे ब्लड ट्रैवल करके जाएगा, तो जब ब्लड यहाँ से जितना ब्लड निकल रहा है, क्या उतनी अमाउंट में यहाँ से ब्लड निकलेगा, नहीं, क्योंकि ये यहाँ वाला ब्लड जो अब यहाँ क्या होगा, प्रेशर बढ़ाएगा, है ना। तो ये क्या होगी, नैरोविंग हो गई है आर्टरी, है ना। तो दैट इज़ ए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ CAD एथेरोस्क्लेरोसिस, और CAD इज़ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ MI। MI का मोस्ट कॉमन कॉज कौन रहता है, आपका CAD रहता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब क्या होगा,
एथेरोस्क्लेरोसिस का पेशेंट आया है, हार्ट डिजीज हो चुकी है उसको, रिस्क के ऊपर है, तो उसकी डाइटरी मॉडिफिकेशन की जा रही है। नर्स एनकरेज कर रही है क्लाइंट को टू ईट विच ऑफ द फॉलोइंग फूड दैट विल लोअर दिस रिस्क, यानी कि नीचे दिए गए में से कौन सा ऐसा फूड है जो वो खाए ताकि उसकी रिस्क कम हो जाए। फ्रेश कैंटालॉप, बॉयल्ड चीज बर्गर, बैक्ड चिकन विद स्किन एंड मैश्ड पोटैटो विद ग्रेवी। क्या ऐसी चीज़ है जो वो खाए उससे क्या है उसकी CAD, ये जो आगे हार्ट की बीमारी होने की चांस है वो कम हो जाए, ऐसा क्या खाए। तो वो क्या खाए, फ्रेश कैंटालोप ले, बॉयल चीज बर्गर ले, बैक चिकन विद स्किन खाए, है ना, या मैश्ड पोटैटो विद ग्रेवी, सारी की सारी खाने की चीज़ें रहती है। तो क्या खाना है उसने, तो उसने फ्रेश कैंटालोप खाना है, है ना, ये फ्रूट की कैटेगरी में आता है। अगर मान लीजिएगा अगर वो चीज़ बर्गर खा रही है तो चीज़, है ना, चीज़ बर्गर, और बर्गर से कौन सा है, चीज़ वाला बर्गर है, है ना, और ये किया गया है बॉयल किया गया है, तो जो है अगर ये तला हुआ वगैरह हो सकता है ना, या तला हुआ नहीं है तो भी इसमें जो है चीज़ है, और ये चीज़ से क्या हो सकता है उसका आगे जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने की संभावना, क्योंकि चीज़ प्रोटीन है, पनीर के अंदर प्रोटीन काफ़ी मात्रा में, बट उसके साथ साथ फैट भी है, है ना, चिकन के अंदर भी, और मैश पोटैटो विद ग्रेवी, है ना, तो ये भी क्या है ऑयली सब्सटेंस की बात, और ये सभी के अंदर, तो इसलिए आपने ये अवॉइड करने हैं, और इन तीनों को अवॉइड करके ताकि कोलेस्ट्रॉल कम किया जा सके आपने फ्रेश कैंटालॉप लेना है। सॉरी, सॉरी, नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज प्लानिंग केयर फॉर ए क्लाइंट हु इज एक्सपीरियंसिंग एंजाइटी फॉलोइंग ए मायोकार्डियल इन्फेक्शन। नर्स क्या कर रही है, एक नर्स क्या कर रही है, नर्स प्लानिंग द केयर फॉर ए क्लाइंट हु इज़ एक्सपीरियंसिंग एंजाइटी फॉलोइंग ए मायोकार्डियल इन्फेक्शन। नर्स जो है वो एक पेशेंट को केयर दे रही है, प्लान कर रही है क्या कि उस पेशेंट को क्या हो रही है, एंजाइटी हो रही है, और एंजाइटी किसकी वजह से हो रही है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बाद है, उसको MI हुआ, और MI होने के बाद उसको क्या हो रहा है, एंजाइटी हो रही है। विच प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन, कौन सा प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन जो है शुड बी इंक्लूडेड इन द प्लान ऑफ केयर, यानी कि प्लान ऑफ केयर के अंदर इंक्लूड करोगे, प्रायोरिटी के ऊपर रहेगी बात। आंसर क्वेश्चन विद फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, फैक्चुअल यानी कि जो तथ्यात्मक जो बात है वो सारी, मतलब उसके क्या करे वो आंसर दे। प्रोवाइड डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल प्रोसीजर, जितने भी प्रोसीजर हैं उन सभी की जो उस पर काम में ली जा रही है उन सभी के बारे में उसको जो है सभी प्रोसीजर्स के बारे में उसको कंप्लीट एक्सप्लेन डिटेल दे। लिमिट फैमिली इन्वॉल्वमेंट ड्यूरिंग द एक्चुअल एक्यूट फेज के दौरान उसकी फैमिली इन्वॉल्वमेंट जो है उसको क्या करें, लिमिट कर दे, थोड़ा कम करें। एंड एडमिनिस्टर एंटी एंजाइटी मेडिकेशन टू प्रमोट रिलैक्सेशन को बढ़ाने के लिए उसको एंटी एंजाइटी ड्रग दी जाए। तो क्या करना होगा, तो क्वेश्चन विद फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, जो सही बात है उसके क्वेश्चन उस बातों पे क्वेश्चन के साथ में वो क्या करे उसका आंसर दिया जाए। नेक्स्ट, ए नर्स इन द मेंटल हेल्थ क्लिनिक इज परफॉर्मिंग एन इनिशियल असेसमेंट ऑफ ए फैमिली विद अ डायग्नोसिस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर वुड द नर्स इनिशियली वांट टू इंक्लूड इन द असेसमेंट, यानी कि एक मेंटल हेल्थ क्लिनिक के ऊपर में एक पेशेंट आया है और उसका क्या किया जा रहा है, असेसमेंट किया जा रहा है उसकी फैमिली के साथ में, और उसको डायग्नोस किया गया कि डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि अहिंसा का शिकार है पेशेंट कहीं ना कहीं, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, कौन से नीचे दिए गए फैक्टर जो है वुड द नर्स इनिशियली वांट टू इंक्लूड इन द असेसमेंट, कौन से ऐसे फैक्टर हैं नीचे दिए गए जो क्या कर रही है नर्स इंक्लूड करना चाहती है असेसमेंट के अंदर। तो क्या होगा, द कोपिंग स्टाइल ऑफ ईच फैमिली मेम्बर, उसके फैमिली मेम्बर है, उसकी फैमिली में जो जो मेम्बर है प्रत्येक मेम्बर का कोपिंग स्टाइल, उसके साथ रहने का तरीका कैसा है, बॉन्डिंग कैसी है आपस में, फैमिलीज एबिलिटी टू यूज कम्युनिटी रिसोर्सेज, यानी कि जो हमारे सामुदायिक जो रिसोर्सेज, यानी कि एक तरीके से आप बोल सकते हो रिसोर्स, जो भी
इन संयंत्र टाइप ऐसा बोल सकते हो आप, उनको यूज़ करने में उसकी फैमिली जो उसकी एबिलिटी कैसी है ना। फैमिली एंगर टुवर्ड द इंट्रूसिवनेस ऑफ नर्स, यानी कि फैमिली एंगर टुवर्ड द इंट्रूसिवनेस ऑफ द नर्स, यानी कि जो नर्स के तौर तरीके उसके खिलाफ या उनके तरफ उसकी फैमिली जो है उसका गुस्सा वगैरह तो नहीं, गुस्सा तो नहीं है या वो उससे गुस्सा तो नहीं हो रहे हैं। फैमिली डिनाइल ऑफ द वायलेंट नेचर ऑफ देयर बिहेवियर, या फैमिली जो है जो उसका परिवार जो है वो क्या है कि जो वायलेंट नेचर का जो उनका बिहेवियर है उसे मना तो नहीं कर रही है, ऐसा तो क्या होना चाहिए। तो कोपिंग मैकेनिज्म कैसा है ये आपने देखना है। सभी मिलजुल के तो नहीं, मिलजुल के रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं, हो सकता है आपस में उनकी बन ही नहीं रही हो, एक दूसरे को देख के इरिटेशन में जा रहे हो, है ना, इस तरीके से। या घर का एक मेंबर जो है वो अलग एक साइड हो और बाकी सारे एक साइड हो, तो उसे एक को क्या हो गया हो, वो जो है हर तरफ से गलत साबित हो गया हो, है ना, ऐसा। नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु इज रिसीविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन थेरेपी, नर्स केयर कर रही है क्लाइंट की, क्लाइंट रिसीव कर रहा है जिस क्या चल रहा है उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है। विच क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वुड अलर्ट द क्लाइंट टू ए हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, नीचे दिए गए कौन से साइन सिम्टम जो है वो इंडिकेट करते हैं कि पेशेंट को हीमोलाइटिक रिएक्शन हो चुका है। सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, हेडेक, ट्राइकिकार्डिया, हाइपरटेंशन, एप्रीहेंशन, डिस्टेंडेड नेक वैन, इनमें से कौन कौन से ऐसे साइन सिम्टम हैं जो बता रहे हैं कि पेशेंट को क्या हो गया है, हीमोलाइटिक रिएक्शन हो गया, यानी कि उसका ब्लड का रिएक्शन हो चुका है जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे थे, है ना। या इम्पेंडिंग डूम, सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डूम, इम्पेंडिंग डूम का मतलब होता है कुछ अजीब सी फीलिंग का ना। एप्रीहेंशन का मतलब भी होता है ना घटने वाली, अघटित टाइप की, है ना, ऐसे वो। तो क्या होगा, तो हेडक है, ट्रैकिकार्डिया है, हाइपरटेंशन है, एप्रीहेंशन है और सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डूम है, ये सारी की सारी बातें क्या बता रही है, हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन को, हीमोलाइटिक रिएक्शन बता रही है, ट्रांसफ्यूजन के बारे में अलर्ट कर रही है। जबकि डिस्टेंडेड नेक वेन जो है ये क्या कराता है, फ्लूड ओवरलोड को बताने का काम कर रहा है, ये बताता है कि सर्कुलेटरी ओवरलोड हो गया है पेशेंट को। नेक्स्ट है एक क्लाइंट, और क्लाइंट को क्या बना हुआ है, आर्टीरियो वीनस फिशुला बना रखा है, कहाँ पे, राइट अपर एक्सट्रीमिटी के अंदर, फॉर हीमोडायलिसिस ट्रीटमेंट, है ना, हीमोडायलिसिस चल रहा है पेशेंट का, रीनल फेलियर का कोई पेशेंट है, क्रॉनिक रीनल फेलियर का पेशेंट जिसका हीमोडायलिसिस किया जा रहा है, और उसके लिए उसको क्या बना रखा है, ए वी फिशुला बना हुआ है उसकी राइट अपर एक्सट्रीमिटी के अंदर। जब प्लान किया गया केयर देने के लिए उस क्लाइंट को, तो कौन से नीचे दिए गए मेजर्स है उनको नर्स क्या करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी क्लाइंट की सेफ्टी को प्रमोट करने के लिए, क्लाइंट सेफ्टी को प्रमोट करने के लिए। तो क्या करेगी, टेक ब्लड प्रेशर ओनली ऑन द राइट आर्म टू इंश्योर एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का पता लगाने के लिए ओनली ऑन कहाँ से, राइट आर्म से ब्लड प्रेशर चेक करती रहेगी। जबकि जिस साइड की आर्म के अंदर चाहे ए वी शंट लगाओ, चाहे ए वी फिशुला बना हुआ हो, चाहे आर्टीरियो वीनस ग्राफ्ट लगाया हुआ हो, इन सभी कंडीशन के अंदर जिस आर्म के अंदर होता है, यानी कि जो अफेक्टेड आर्म होती है उस आर्म के अंदर, ना ही तो आपने कोई आई वी लाइन यूज़ करनी होती है दूसरी, है ना, ना ही आपने क्या करना होता है वहाँ पर बी पी लेना होता है ना, उस ना ही उस हाथ पे कोई आपने प्रोसीजर करना होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि राइट आर्म से उससे कि क्या करोगे आप, बीपी लोगे। दूसरा कहता है यूज़ द फिशुला फॉर ऑल वेनिपंक्चर एंड आईवी इन्फ्यूज़न, जितने भी टाइप के अगर उसको मान लीजिएगा इंजेक्शन लगाना है आपने, कैनोला लगाना है, तो सारे के सारे आप क्या करोगे, उस फिशुला जो बनाया हुआ है आर्टेरियो वेनस फिशुला हीमोडायलिसिस के लिए उसी के अंदर ही लगाते रहोगे। तीसरा ऑप्शन, इंश्योर दैट स्मॉल क्लैंप आर अटैच्ड टू द एवी फिशुला ड्रेसिंग, आपने कंप्लीट पता करना है कि जो छोटे जो है कि स्मॉल क्लैंप्स आर अटैच टू दी एवी फिशुला ड्रेसिंग, यानी कि जो एवी फिशुला या ट्यूबुलस फिशुला है उसकी जो ड्रेसिंग है उसके साथ में आप छोटे छोटे क्लैंप को अटैच कर दोगे। या एसेस द फिशुला फॉर द प्रेजेंस ऑफ ए ब्रूट एंड थ्रिल एवरी 4 आवर, जो फिशुला जो है उस फिशुला के ऊपर ब्रूट और थ्रिल ये साउंड्स होती है ना, इन साउंड का पता लगाओगे प्रत्येक 4 आवर से। तो क्या करना, आपने साउंड को एसेस करना है, क्योंकि ना ही आपने जिस साइड की आर्म के अंदर फिशुला बनाओ, सेंट बनाओ या ग्राफ्ट लगाओ है, वहाँ से बीपी लेना होता है, ना ही उसमें कोई अलग से जो है उसको पंक्चर करना होता है, उसमें कोई इंजेक्शन वगैरह सैम्पलिंग वगैरह नहीं करनी होती है, है ना। तो क्या करोगे आप, प्रत्येक 4-4 घंटे से ब्रूट और थ्रिल को चेक करोगे फिशुला पे जो बना रखा है, है ना। नेक्स्ट क्लाइंट है किसके साथ में, वुंड इन्फेक्शन के साथ में, वुंड इन्फेक्शन और उसको क्या और क्या, ऑस्टियोमायलाइटिस। ऑस्टियोमायलाइटिस ईयर डिसऑर्डर के अंदर आप एक बीमारी पड़ते हो, है ना, क्या हो जाती है, जो बोन होती है ईयर की उनके अंदर क्या हो जाती है, सॉफ्टनिंग हो जाती है,
है ना, क्या कर रहे हैं पेशेंट, रिसीव कर रहा है हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी, यानी कि जो है उसको ऑक्सीजन थेरेपी चल रहा है, 100% ऑक्सीजन थेरेपी। ड्यूरिंग दी थेरेपी द नर्स इम्प्लीमेंट विच ट्राइड इंटरवेंशन, इस थेरेपी के दौरान कौन सा जो है प्रायोरिटी इंटरवेंशन जो है नर्स क्या करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी पेशेंट के ऊपर। सबसे पहले मेंटेन एन IVSS, है ना, दूसरा इंश्योर दैट ऑक्सीजन इज बीइंग डिलीवर, यानी कि IV स्टार्ट करेगी, उसको मेंटेन करेगी IV लाइन। दूसरा कहता है ऑक्सीजन डिलीवर करना है वो इंश्योर करेगी। तीसरा कहता है एडमिनिस्टर सिडेशन टू प्रिवेंट क्लस्ट्रोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया को प्रिवेंट करने के लिए सिडेशन एडमिनिस्टर करेगी, है ना, यानी पेशेंट को क्या हो रखा है, क्लस्ट्रोफोबिया होता है, क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है फियर फ्रॉम क्लोज स्पेसेस, है ना, फोबिया, फोबिया का मतलब होता है इरेशनल फीवर, बिना किसी बात के डर लगता रहता है, है ना, चीज़ वास्तविक में होती है पर उससे डर लगता रहता है उसको, इरेशनल फीयर, है ना, जिसका कोई रैशनल नहीं है, तो इरेशनल फीयर, क्लस्ट्रोफोबिया यानी कि क्लोज स्पेस से, अगर मान लीजिए जैसे कोई पर्सन है लिफ्ट में खड़ा हो गया, लिफ्ट में खड़ा होते ही उसे डर लगता है, है ना, क्लस्ट्रोफोबिया के अंदर क्लोज स्पेस के अंदर डर लग जाने से डर लगना, तो उसे प्रिवेंट करने के लिए सिडेशन देंगे, या प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू द क्लाइंट्स फैमिली, क्लाइंट्स की फैमिली को इमोशनल सपोर्ट्स प्रोवाइड करेंगे। तो क्या करना आपने, तो इन्श्योर दैट ऑक्सीजन इज बीइंग डिलीवर्ड, कि उसको ऑक्सीजन चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना, अगर ऑक्सीजन बंद हो गया तो क्या हो सकती है, गड़बड़ हो सकती है ना, तो ये आपने क्या करना है वहाँ पे चेक करना है। तो आज का जर्नी हमारा यहीं तक था, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और अच्छे MCQ लेके आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मैक्सिमम लोगों तक इसको क्या कहिएगा पहुँचाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो थैंक यू सो मच।